और शाम के टाइम पे होने वाला है दोस्तों व्रत तोड़ कहते हैं जिसे, या दग्गड़ तोड़ कहते हैं। दोस्तों मैं एक चीज खोद रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज है वो। देखिए ये भी मेरे को मिल चुका है जो चीज मैं देखना चाह रहा था। यहाँ पे बहुत सारे खटाई खाने वाले लोग हैं दोस्तों, जिनको खट्टा बहुत ज्यादा पसंद है, तो उन्हीं की ऑन डिमांड पे आज हम खटाई बनाने जा रहे हैं। अगर वो मेरा ये ब्लॉग देखेगी दोस्तों तो पक्का वो मेरे को गालियां देंगी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ मेरे एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों अभी बज रहा है सुबह का 11 और मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत अच्छी धूप खिली हुई है। दोस्तों जैसे कि आपको पता है दोस्तों, मैं आ रखा हूँ अपने गांव और यहाँ पहाड़ों में ऊपर टॉप टॉप की जगह में, जैसे कि देख रहे हो आप। अभी तो बर्फ पिघल गई है इधर से दोस्तों, यहाँ पे कल रात को बर्फ पड़ गई है। दूसरी साइड आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा व्हाइट व्हाइट सा दिख रहा है दोस्तों, तो ये बर्फ है अभी भी टिकी हुई है। तो दोस्तों बूढ़ी दिवाली तो खत्म हो चुकी है और शाम के टाइम पे होने वाला है दोस्तों व्रत तोड़ कहते हैं जिसे, या दग्गड़ तोड़ कहते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमारे गांव में व्रत तोड़ या दग्गड़ तोड़ को सेलिब्रेट किया जाएगा। दोस्तों उसमें भी बहुत मजा आने वाला है, तो आप ब्लॉग में बने रहिएगा, ब्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम बनाने जा रहे हैं खटाई, और हमारी लोकल लैंग्वेज में तो उसको मुछार कहा जाता है दोस्तों। हमारे यहाँ पे बहुत सारे पेड़ है दोस्तों मौसमी के, तो मौसमी भी हमारी आजकल पकी हुई है और फ्रेश मौसमी है दोस्तों, तो आज हम फ्रेश मौसमी खटाई बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे खटाई खाने वाले लोग हैं दोस्तों, जिनको खट्टा बहुत ज्यादा पसंद है, तो उन्हीं की ऑन डिमांड पे आज हम खटाई बनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों बहुत सारे लोग हम मिलके आज खटाई बनाएंगे और सब इंटरेस्टेड हैं खटाई खाने में। चलिए पहले तो मौसमी तोड़ लेते हैं, फिर प्रोसेस स्टार्ट करते हैं खटाई का और खटाई का आनंद लेते हैं। दोस्तों गांव में आए हैं तो खटाई का आनंद जरूर लेके जाएंगे दोस्तों, तो ब्लॉग में बने रहिएगा और ब्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। दोस्तों मैं एक चीज खोद रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज है वो। देखिए ये भी मेरे को मिल चुका है जो चीज मैं देखना चाह रहा था। इसको हाथी पांव बोलते हैं दोस्तों हमारे इधर। ये एक अदरक के जैसे दिखने वाला खाने वाली चीज होती है, तो इसी को मैं निकालता हूँ अभी। ये उम्मीद है कि मिल जाए। ये देखिए दोस्तों ये वो चीज है जिसको मैं ढूंढ रहा था। ये थोड़ा आपको अदरक की शेप में दिखेगा, इसको हाथी पांव कहते हैं और इसका स्वीट सा टेस्ट होता है खाने में। और जैसा कि मैंने अभी दिखाया, अभी मैंने हाथी पांव खोदा था दोस्तों। हाथी पांव एक आप कह सकते हो कि अदरक की तरह होता है, लेकिन उसका जो टेस्ट होता है दोस्तों वो स्वीट टेस्ट होता है, मीठा होता है, और खाने में बहुत ज्यादा उसको आप नमक मिर्च के साथ खा सकते हो, कैसे भी करके उसको आप यूज में ले सकते हो। ये मैंने अभी यहाँ से निकाला, इस जगह से निकाला मैंने खोद के। ये मैंने बो रखे थे यहाँ पे और अब इसको खाएंगे दोस्तों हम। क्या खा रहा बेटा, क्या खा रहा है तू, क्या खा रहा है दिखा, चीजी दिखा ये। तो दोस्तों अभी हम मौसमी को तोड़ रहे हैं। तोड़ बेटा, तोड़ से खींच, खींच जोर से। हाँ ये दिखा दिखा दिखा, कहाँ पे दिखा ये। ये दोस्तों हमारा मौसमी का पेड़, और अभी मेरा प्यारा भांजा निकाल रहा है मौसमी। वो बार बार जिद कर रहा है कि निकालो, चल तू भी दिखा 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 ये देख। दिखा ये दिखा। क्या बनाएंगे ताई जी आज हम? क्या बनाएंगे? मुछार बनाएंगे। पक्का अपने हाथों से बनाओगे? पक्का ठीक है। नमक मिर्च पीस लिया आपने? चलो ठीक है। तो दोस्तों हमारी प्यारी ताई जी बनाएगी हमारे लिए मुछार। ये हाँ मामा बता ता बोल दादा का। दोस्तों हमने खेत पे मूली बो रखी है और ये निकली हमारी मूली। मूली दिखाओ ये, तो आज मूली भी डालेंगे हम। तो ये दोस्तों मौसमी मैंने तोड़ लिया है और
ये सामने आप देख सकते हैं ये सारे पेड़ मौसमी के हैं हमारे, यहाँ पे बच्चे खेलने लग गए हैं। हाँ गुड, शाबाश। हाँ फेंक 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 बेटा। ये दोस्तों ये वो मूसल है जिससे मैं बचपन में धान कूटा करता था यहाँ गांव में, जब भी हम गर्मियों की छुट्टी में आते थे तो ये वो मूसल है दोस्तों। ये काफी टाइम बाद मेरे को मिली है, अब तो ये सड़ गई है। और जब मैं छोटा था दोस्तों तो इसी से मैं धान कूटा करता था, तो काफी अच्छा लगा इसको देख के। तो ताई जी नमक में क्या क्या डाला हुआ है आपने? पुदीना, लहसुन, जीरू, धनिया और तो पीसा काई में हमने इसको सिलबट्टे पे। तो दोस्तों सिलबट्टे पे हमारी ताई जी ने पीसा हुआ है नमक। ये है दोस्तों पहाड़ी नमक जिसको सिलबट्टे पे अभी पीसा गया है। इसपे नमक, मिर्च और लहसुन भी इसमें डाला गया है स्वाद के अनुसार, पहाड़ी मिर्च डाल के। ये सब लोग इंतजार में कब हमें खटाई खाने को मिलेगा साथ में धूप का आनंद लेते हुए। ये डल रहे दोस्तों अभी सिलबट्टे पे पिसा हुआ नमक, पहाड़ी नमक जिसे कह सकते हैं आप। थोड़ा टेस्ट के लिए हम डाल रहे हैं अभी लहसुन के पत्ते दोस्तों। नहीं बेटा गंदे खा। तो दोस्तों खटाई हमारी तैयार हो गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये रही हमारी खटाई, और अभी हम इसको धूप में बैठ के आनंद लेंगे दोस्तों। कैसा बना हुआ? बढ़िया, मस्त, नमक कम तो नहीं है? ठीक है। तो कैसा बना पापा? बहुत बढ़िया। बढ़िया ऐसा करो तो बढ़िया, मजा आ गया, खट्टा तो नहीं है ज्यादा? हाँ भाई कैसा बना हुआ? मस्त, मजा आ गया, खट्टा तो नहीं है? ये देखो दोस्तों जैसे अपने खटाई बनाई, भीड़ लगना स्टार्ट हो गई है, सब मांगने वाले आ गए हैं इधर, ये सब मांगने वाले हैं, सब आ गए हैं अपने अपना जो जो अपने अपने बिस्तर लेके आ गए हैं ये। बहुत दूर दूर से हमने लोगों को बुलाया है। कैसा बना हुआ? ठीक बनी हूँ। लून मर्चा ठीक है? खट्टू तो ना ज्यादा? ठीक। तो कैसा भाई? बेकार बना हुआ। तो दोस्तों बाकी सब लोगों को पसंद आया सिर्फ इसको छोड़ के। तो दोस्तों गांव में ऐसे ही होता है, सब मिल बांट के जैसा कि आप देख रहे हो सब बैठे हुए हैं, खटाई का आनंद ले रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो यही चीजें गांव की आज भी अच्छी लगती है दोस्तों, ये चीजें आपको शहरों में नहीं मिलेंगी। तो काफी अच्छा लगता है जब भी मैं गाँव आता हूँ तो सबसे मिलना जुलना होता है, बैठना होता है और ऐसे ही हम आनंद लेते रहते हैं। क्या सोच रहे हो आप? तो दोस्तों इस खटाई को देख के मुझे अपनी वाइफ की याद आ रही है, एक्चुअली उसे खटाई बहुत ज्यादा पसंद है। तो मन तो मेरा भी नहीं है खटाई खाने का, लेकिन मैं ये ओनली उसके लिए खा रहा हूँ क्योंकि उसको बहुत ज्यादा खटाई पसंद है दोस्तों। तो अगर वो मेरा ये ब्लॉग देखेगी दोस्तों तो पक्का वो मेरे को गालियां देंगी कि आप गाँव गए और गाँव में आपने अकेले अकेले खटाई खाई। तो दोस्तों ये है मेरी भाई की लड़की और अभी हम दोनों जा रहे हैं क्या देखने के लिए, क्या होता है वहाँ पे? दग्गड़ तोड़। तो दग्गड़ तोड़ देखने के लिए जाएंगे दोस्तों, और क्या कुछ रहने वाला है दग्गड़ तोड़ में तो वो आपको इस ब्लॉग के माध्यम से मैं दिखाऊंगा, तो बने रहिएगा ब्लॉग में। ये है दोस्तों हमारा गांव, प्यारा सा गांव घंटाड़ी। ये है दोस्तों हमारे गांव का मार्केट। मछली बनाते ना, मछली
रहा हूँ। दोस्तों ये चल रहे हैं यहाँ पे दगड़ तोड़, इसको कहते हैं दगड़ तोड़, और इसमें दो पार्टी होती हैं, अपनी तरफ खींचना पड़ता है इसमें सब।